ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया का पंचांग। तो तृतीया तिथि का मान आपको रात के 7:06 तक 7:07 बजे तक रह गया, रविवार तो आपको पूरा दिन रह जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र आपको शाम के 5:19 आगे तक रहेगा, उसके बाद पुख नक्षत्र आता है तो रवि पुख योग बन जाता है। तो रवि पुख योग सुंदर योग माना गया, अच्छा योग माना गया, इसमें सब तरह के कार्य किए जाते हैं, लेकिन विशेष करके इसका महत्व जो है सो आपको तंत्र क्रिया में सिद्धि कार्य में होता है। किसी भी तरह का आप सिद्धि करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, जाप करते हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। जंतर मंत्र सिद्ध किया जाता है, जंतर लोग सिद्ध करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, आप भी कर सकते हैं, नहीं तो करवा सकते हैं, लेकिन विशेष करके कार्यक्रम स्वयं लोग करते हैं। जो बड़े बड़े ओझा गुणी तांत्रिक भगत लोग होते हैं उनके लिए विशेष सोच, ताकि वे अपना शक्ति को बढ़ाएं, अपना मंत्र का शक्ति बढ़ाएं, जंत्र का शक्ति बढ़ाएं और जनता में उसका माने जनता को उससे लाभ पहुँचाएँ, है ना। किसी का नुकसान करने के ख्याल से किसी तरह का मंत्र या जंत्र का सिद्धि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी का नुकसान करते हैं तो आपका भी नुकसान होगा। इसलिए अच्छे काम से अच्छे विचार के लिए मंत्र सिद्धि यंत्र सिद्धि करें, और शास्त्र के अनुसार कहता है कि उसका व्यापार न करें, यानी कि उसके बदले में कुछ न लें, यानी कि आप देवता बन जाइएगा, महान। लेकिन आपका कलयुग का समय है, अर्थ का रिच विद्या का ऐसा विद्या हो जिससे कुछ लाभ हो, तो शास्त्र के तो विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, उनका कहना अच्छा बात है, कोई गलत नहीं है। मानव को देवता बनना चाहिए, आगे को बढ़ना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, लेकिन फिर भी पेट का सब पापी पेट का सवाल है ना, जीना है तो सीना है, खाना है, रहना है, तो आप ले सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप मंत्र यंत्र का सिद्धि जो करते हैं उससे आप लाभ ले सकते हैं, किसी का नुकसान न करें, सबसे पहली बात है नुकसान न करें। दूसरी बात है कि आप दया भाव रखें, विशेष कष्ट न दें, खुशी से लें, या समानता अपना मजबूरी रखें, जैसे डॉक्टर लोग अपना फीस रखते हैं उस तरह से आप अपना रख सकते हैं, कर सकते हैं, हम आपको सलाह देंगे। क्योंकि यदि ऐसा विद्या करें, ऐसा कार्य किए कि हमको कुछ लाभ ही नहीं होगा तो हम क्यों करें, नहीं करेंगे। तो धर्मशास्त्र ने लिख दिया, उसी को लोग मान लिया और आगे इसी तरह से कार्यक्रम बढ़ते गया, एक परिणाम ये हुआ कि विद्या अलोक, जब कोई फायदा ही नहीं होगा, विशेष करके आर्थिक लाभ न होगा तो लोग क्यों करेगा, क्यों करना चाहेगा। यदि शहर में आप रहते हैं तो रहने के लिए एक रूम भी आप रखते हैं तो 1,000-2,000 या और ज़्यादा आपका खर्चा गिरता है, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, दवाई चाहिए और कुछ भी चाहिए, ये सपोर्ट आपको कहाँ से ना। यदि आप उतने बड़े हैं आप निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा बात है, देवता बनिए ये कहेंगे, लेकिन सबको देवता बनना संभव नहीं है, तो मानव ही बनकर के रहें, यानी कि लाभ लें लेकिन एक मानवता भी रखें, दया भाव भी रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वृद्धि योग है रविवार को, तृतीया तिथि को, तो वृद्धि योग आपको दिन में 8:31 8:30 या उससे आगे तक रहेगा। तो वृद्धि योग का मतलब होता है कि जो काम इसमें करिएगा उसमें आपको वृद्धि होगा, बढ़ती होगा, उन्नति होगा, विकास होगा, यानी कि जो काम करते हो आगे की ओर बढ़ेगा। मान लीजिए बिजनेस व्यापार प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो आपको आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तैतिल कर्म हुआ, ध्वज योगा हुआ, तो ध्वज योगा के मतलब ध्वजा फहरा है ना, हम लोग कहते हैं कि आपका ध्वजा फहरा रहा है, यानी कि उनका ध्वजा फहरा है, तो यानी ऐसे योग में शुभ काम अच्छे काम करें, या बच्चे जन्म लेंगे तो उनका ध्वजा फहराएगा, बहुत बड़े बन जाएंगे। और 13 जून हो गया अंग्रेजों के अनुसार, फसली तारीख 28-18 हो गया, सूर्य के अनुसार आपको 30 हो जाएगा, लेकिन महीना का अंतिम दिन नहीं होगा, 30, 31, 32 तक इनका है ना, 32 तक सूर्य का अनुसार हो जाएगा, यानी कि राशि परिवर्तन इनका होगा 16, ये 32 का इनका महीना हो जाएगा। तो चलिए 13 को हो गया आपको 30 हो गया,
है ना, लेकिन महीना का अंत नहीं हुआ, राष्ट्रीय 23 तारीख हो गया। कर्क राशि के चंद्रमा जो है सब उत्तर दिशा में दिन में 10:56 यानी कि 11 बजे मानते चलिए, पटना में पौने 11 बजे के मानते चलिए चले आएंगे, तो आपको उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा की यात्रा सुखकारी हो गया। परंतु रविवार होने के चलते पश्चिम दिशा जो है सो दिशा शुल है, उत्तर के लिए बिल्कुल सही है, तो यानी कि आधा आपके लिए सुख आधा शुभ होता है। तो अशुभ को ज़्यादा मान्यता लोग देते हैं, तो उसकी माने पश्चिम दिशा में आपको सामान रख दें, रुमाल चाहे धनेऊ चाहे कुछ उस तरह का सामान रख दें, ब्राह्मण हैं तो धनेऊ, क्षत्रिय हैं तो अस्त्र शस्त्र, वैश्य हैं व्यापारी वर्ग के हैं तो आप मैं बटखारा जो होता है तोड़ने वाला नापने वाला विशेष जो आपका सामान होता है उसको, शूद्र लोग जो हैं मजदूर वर्ग जो हैं तो मजदूरी करने का जो सामान यंत्र होता है उसमें से कोई एक बड़ा छोटा जो भी सुविधाजनक हो आप पश्चिम दिशा में रख दें, और पहले रख दें और दूसरा जो उसको लेकर यात्रा को चले दें, या लाठी भी रख सकते हैं शूद्र जो है मैंने मजदूर वर्ग। शूद्र के कहने का मतलब आप अपमानजनक शब्द नहीं है, बड़ा छोटा दुनिया सब भी होता है, हम बड़े हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन हमसे भी तो कोई बड़ा है और हम छोटे भी हैं, क्योंकि हमसे जब कोई बड़ा है तो हम छोटे हैं, हम छोटे हैं सबसे छोटा थोड़े हैं, हमसे भी तो कोई छोटा है उससे भी छोटा कोई है। तो इसमें शूद्र कहने का मतलब अपने आप को हेक भावना से देखें, और शूद्र जो है उनको हेक भावना से नहीं देखना चाहिए। हर कोई का अपना एक स्थान होता है, एक महत्व होता है, जो काम सुई करेगा वो काम तलवार नहीं करेगा, कपड़ा सिलने का काम सुई से ही होगा तलवार से नहीं होगा, तो सुई का अपना अलग महत्व है, तलवार का अपना अलग, सबका अपना अपना होता है। तो मुस्लिम जिलकाद 11 हिजरी सन 1442 सन मुसलमान का जिलकाद हुआ 11 हिजरी सन इनका 1442 हो गया, रंभा तृतीया हो गया और महाराणा प्रताप जयंती भी हो गया, यानी कि समानतः कहा जाए कि आज के बच्चे जो जन्म लेंगे है ना, तो हो सकता है कोई महाराणा प्रताप की तरह हो, उनसे भी ज़्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है, कुछ तो प्रभाव जरूर आएगा क्योंकि उस तरह का योग है, और बाकी तो ग्रह नक्षत्र कैसा क्या है उस पर निर्भर करता है विशेष, लेकिन कुछ तो इसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए अच्छे दिन में बच्चे जन्म ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। राजस्थान में विशेष तो प्रचलित ना, तो महाराणा प्रताप राजस्थान के थे, ऐसे तो पूरा देश के थे, पूरा दुनिया के थे, सबके लिए थे, और जो उनका शत्रु था उसके लिए तो अलग बात है ना, अपना देश के लिए बहुत कुछ किया तो हमें भी करना चाहिए, कम से कम उनका जयंती मनाना चाहिए। और मेला हल्दी घाटी राजस्थान में लगता है, वहाँ जाना चाहिए, घूमना टहलना चाहिए, और वहाँ के लोग का जो चाहिए विशेष रूप से बड़ी सुविधाजनक होता है। और स्वार्थ सिद्धि योग जो है सो शाम में 5:30 बजे के बाद से आ रहा है, यानी कि सब अच्छा मौक है। रवि योग जो है सो 5:15 के पहले तक है, उत्तराधे बाद में है, एक मुदय जयत सो 5:19 तक, यानी कि कहने में 2400 घंटा खूब बढ़िया बढ़िया है चली चक्कर चलता। तो शंकर दयाल मिश्र आदित्यपुर, तो मेरा वीडियो जो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हमसे नहीं जुड़े हैं, मेरा नाम शंकर दयाल मिश्र, चैनल के सामने आपको लाल अक्षर सब्सक्राइब दिख रहा होगा तो आप उसको छू दीजिए, तो आप हमसे जुड़ गए बता दीजिए, यदि रंग चेंज है लाल रंग का नहीं है काला रंग का है, यानी कि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप हमसे जुड़े हैं, दोबारा उसको छू छा। जय हिंद, जय भारत।